down the spawner. She burn it up like the summer. She turn me on with a bang. Hey, what's up everybody? Welcome back to another video. वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो ये मेरे चैनल का सेकेंड ईयर थर्ड ट्यूटोरियल वीडियो है, जिसमें मैं आप सभी लोगों को AR सिंह का प्रीसेट देने वाला हूँ। जैसे कि AR सिंह अलग अलग तरीके के होते हैं, तो मैं आपको 3 प्रीसेट देने वाला हूँ AR सिंह के। तो वो भी आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं एंड कुछ नहीं करना उसमें भी आप लोगों को। तो यहाँ पे जो मेरा ऑडियो है वो मैंने इसको पहले से ही इम्पोर्ट करके रखा है। एंड मैं बता दूँ आपको, मैं जो अपनी ऑडियो है वो Adobe Premiere Pro में नहीं एडिट करता। जिस ऐप में मैं सॉफ्टवेयर में मैं एडिट करता हूँ, उसका मैं आपको जल्दी ट्यूटोरियल दूंगा। एंड बहुत ही आसान है यार। एंड देखिए, ये पूरा पैक है जो आपको मिलने वाला है। तो इसमें क्या है बताता आगे। तो गाइस, पहले तो आप ये पूरी ऑडियो सुन लीजिए जो मैंने इंपोर्ट करी है। वैसे तो आपने सुन रखी है प्रीव्यू में, बट एक बार फिर से सुन लीजिए। तो गाइस, अभी आप लोग अपनी जो भी क्लिप है वो आप अपने प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट कर लीजिए। जैसे कि ये मेरी DP की क्लिप है, तो मैं इसको पहले तो इंपोर्ट कर लूँगा। एंड जहाँ से भी मेरा किल स्टार्ट हुआ है, मैं वहाँ तक इसको पूरा कट करके वहीं से ले आऊँगा, बिल्कुल साउंड टू साउंड। एंड देन जो इसका आपको स्पीड रखनी है वो 10% पे रखनी है, ऑप्टिकल फ्लो करके पूरे किल का। मैं टाइम रिमैपिंग मैप जो भी होता है वो मैं नहीं करता, बिकॉज वो मेरे को थोड़ा हार्ड लगता है एंड मेरे को आज तक वो समझ में नहीं आया। मैं बिल्कुल सिंपल एंड इजी वे से करता हूँ इसको। 10% बिल्कुल मैं कर दूंगा एंड इसको रेंडर कर दूंगा। तो आफ्टर रेंडर आपको यहाँ पे बीट्स ढूंढनी है, जो आपके सॉन्ग्स में बीट्स हैं तो एक एक करके ढूंढनी है। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे को जो बीट्स हैं वो अच्छे से दिखें। तो आप यहाँ पे बीट्स देखना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मेरी पहली बीट यहाँ पर है, तो आप एक दो बार इसको अच्छे से देख लीजिए। एंड मेरी जैसे पहली बीट यहाँ पर है, तो मैं इसको कट कर दूंगा। एंड कट करने के बाद इसकी जो मैं स्पीड ड्यूरेशन है वो 200 पे कर दूंगा। एंड 200 पे करने के बाद पहले मैं इसको रेंडर कर लेता हूँ। एंड आफ्टर रेंडर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस वहीं पे बीट पे आ जाना है वापस से। एंड 3 frames आगे आपको जाना है जैसे मैं जा रहा हूँ। एंड इसको कट करके फिर से 10 पे कर देना है। तो इससे क्या होगा ना, एक फास्ट वाला इफेक्ट आ जाएगा इसमें, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगली बीट पे भी आपको जाना है, सेम करना है। आपका जो भी है वो रेंडर ही रहेगा, कुछ नहीं होगा। एंड यहाँ पे आपको फिर से इसको 200 पे करके 3 frames आगे करना है एंड फिर उसको 10 पे कर देना है। तो इफेक्ट आता रहेगा अपने आप। एंड उसके बाद हम इस पे शेक्स डालेंगे, जैसे कि अभी इसको थोड़ा हम इफेक्ट यहाँ पे स्लो फास्ट ले आते हैं। एंड उसके बाद हम इस पे अपने जो भी प्रीसेट मैंने आपको दिया है वो वाले शेक्स इस पे डालेंगे। एंड अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। हर एक बीट पे जब तक आपका बीट चल रहा है तब तक आप ये करिए। एंड अभी मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अभी जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, मैं बिल्कुल यहाँ पे फास्ट स्लो कर चुका हूँ एंड इतना अच्छा यहाँ पे इफ़ेक्ट भी आ रहा है साथ में। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पे प्रीसेट डालेंगे। प्रीसेट डालने के लिए आपको लेफ्ट साइड पे पैनल दिख रहा होगा, वहाँ से एक एडजस्टमेंट लेयर बना लेनी है, क्रिएट कर लेनी है एंड उसको यहाँ पे ड्रॉप कर देनी है। ठीक है, तो एक सेकेंड कहाँ चली गई, एंड इसको अंडो कर देता हूँ। तो यहाँ से ही हमारी एडजस्टमेंट लेयर आ चुकी है। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको कहा था 3 frames आगे आपको फास्ट करना है। 3 frames के जितना आपने फास्ट किया, तो आपको ये 4 frames जितनी आपकी एडजस्टमेंट लेयर रखनी है। तो मैं कर देता हूँ 1, 2, 3, 4 एंड यहाँ से कट कर देता हूँ। एंड बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको डिलीट कर देता हूँ। बैक स्पेस से ये हो जाता है डिलीट, ये शॉर्टकट है। सो अभी ये 3 आपको मिलेंगे, जूम इन, जूम आउट एंड एक नॉर्मल शेक मिलता है आपको, जो मतलब हल्का हल्का शेक होता है बट हाँ अच्छा लगता है वो भी। तो मैंने बहुत उसमें वो भी डाला है, नॉर्मल भी एंड इन आउट जो भी है आप देख लो। सबसे पहले हम आउट डालेंगे, तो ये आउट मैंने डाल दिया है यहाँ पे। तो इसको नॉर्मली हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेंगे
एंड जहाँ जहाँ पे अपनी बीट्स हैं वहाँ पे हम कंट्रोल प्लस वी से इसको पेस्ट कर देंगे एंड नीचे लॉक कर देंगे ताकि ये क्लिप के ऊपर ना चले जाए। तो बस नॉर्मल यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे एंड आफ्टर पेस्टिंग मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है। तो अभी आपने यहाँ पे देखा ये कितना अच्छे से बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना था और कुछ नहीं करना था। एंड अगर आपको इसको थोड़ा और पीछे करना है तो इसका जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे इसको 1.2 पे कर देना है तो इससे ये और थोड़ा पीछे हो जाएगा। बट मैं जो रखता हूँ वैल्यू वो 1.1 पे रखता हूँ एंड वो अच्छी भी लगती है बिकॉज अभी इस पर क्रॉप इफेक्ट डालूंगा मैं जो ऊपर से इसको क्रॉप कर देता है एंड नीचे बॉटम एंड अपर पार्ट से इसको क्रॉप कर देता है वीडियो को, तो देखने में ये बहुत अच्छा लगता है। एंड बस ऐसी सिंपली बस आपको डालते जाना है एंड करते जाना है। अभी तो ये रेंडर नहीं है, अभी जब ये रेंडर होगा तो और भी ज़्यादा स्मूथ होएगा। तो अभी मैं इस सबको डिलीट कर देता हूँ एंड जो मेरा दूसरा वाला वो है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जो दूसरा जूम इन वाला है उसके लिए आपको एडजस्टमेंट लेनी चाहिए, तो उसके लिए आपको सिंपली अपनी जितनी भी वो है उसको कट करके आपको नेस्ट कर देना है जितनी, जैसे 3 का फ्रेम था ना तो यहाँ पे मैंने 3 का किया है, आप 4 का करना, नेस्ट कर देना सिंपल सिंपल। तो जैसा कि आपने देखा अभी मैं नेस्ट के ऊपर वो क्लिप थी जो मैं अपना प्रीसेट डाल चुका हूँ, तो मैंने यहाँ पे फास्ट मोशन कर दिया था ताकि आपका टाइम बचे। एंड ये जो लाइट आ रही है अगर आपको इसको हटाना है तो जो नीचे वाला इफेक्ट है यहाँ से जो मैं कर रहा हूँ आप वो कर दीजिए, इसको डीसेलेक्ट कर दीजिए तो आपकी जो फ्लैश है वो हट जाएगी। ज़्यादातर मैं इतनी फ्लैश रखता नहीं हूँ, ये बिल्कुल मिडल पे है तो मैं इतना फ्लैश नहीं रखता, तो मैं इसको ज़्यादातर हटाता हूँ, मैं साइड में भी नहीं रखता। तो ये जूम इन वाला है, बहुत लोगों को जूम इन भी पसंद है, मैं ज़्यादातर डालता नहीं, तो आप देखिए ये कुछ ऐसा लगता है जूम इन डाल के। तो अभी जैसे कि ये मैंने क्लिप्स को नेस्ट वेस्ट किया है एंड उसके ऊपर प्रीसेट डाला है, तो अभी जब मैं इसको रेंडर करूँगा तो ये और भी स्मूथ हो जाएगा। तो अभी मैं इसको रेंडर नहीं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए बिकॉज टाइम बचे, एंड आप जब रेंडर करेंगे तो ये और भी स्मूथ होगा बिकॉज ये एक स्मूथ प्रीसेट है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट शेक की तरफ। तो बस लास्ट वाला ये शेक इफेक्ट है एंड इसमें भी आपको जस्ट अपने एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ड्रॉप कर देना है प्रीसेट को एंड ये देखिए थोड़ा हल्का हल्का शेक होएगा। एंड अभी थोड़ा ये रेंडर नहीं है तो थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आई नो, बट जब ये रेंडर होगा एक्सपोर्ट होगी ये वीडियो तो ये बहुत स्मूथ हो जाएगा एंड थोड़ा अच्छा लगता है मुझे। एंड ये ज़्यादातर मैं होलोस्कोप या फिर जब मैं कोई स्कोप वोप से विदाउट स्कोप मार रहा होता हूँ तो ये शेक मैं यूज़ करता हूँ। रेड डॉट पे फिलहाल अच्छा नहीं लगता बट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ आफ्टर रेंडर ये अच्छा लेकिन लगेगा, अभी आपको एक प्रीव्यू दे देता हूँ मैं। एंड हाँ, ये जो शेक इफेक्ट है ये ज़्यादातर जो ऊपर जब हम क्रॉप करते हैं अपनी वीडियो को तो उसके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैं अभी आपको एक बार करके दिखा देता हूँ तो ये ज़्यादा बढ़िया मेरे को तभी लगता है, तो मैं आपको एक सेकंड क्रॉप इफेक्ट इसमें डाल के दिखाता हूँ। एंड यस, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता था, जैसे वर्ल्ड फास्टेस्ट बीट सिंग लोग आजकल बहुत बनाते हैं तो उसमें आप ये वाला जो शेक है बस एक एडजस्टमेंट लेयर पे डालिए एंड जब तक आपके गन का साउंड चल रहा है तब तक उसको ड्रैग कर दीजिए एंड ये बहुत फास्टेस्ट लगेगा इससे। अभी तो वो जो नीचे एडजस्टमेंट लेयर है उसमें अलग अलग शेक हैं तो वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट उसके विदाउट अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं आपको इसमें क्रॉप इफेक्ट डाल के दिखा देता हूँ, तो ये जो क्रॉप इफेक्ट है इसको मैं अराउंड 10 ही करता हूँ। एंड हाँ, अभी जो ये आप देख रहे हैं ये विदाउट कलर ग्रेडिंग है, जो आपने प्रीव्यू में देखा था वो विद कलर ग्रेडिंग था तो इसलिए थोड़ा अलग लग रहा होगा। एंड ये वाले जो शेक हैं एंड क्रॉप का इफेक्ट भी डाला हुआ है तो ये भी बहुत लैग कर रहा है, बट आई नो जब आप लोग रेंडर करोगे इसको तो ये बहुत स्मूथ हो जाएगा एंड अच्छा भी लगेगा देखने में। तो बस आज की वीडियो में तो इतना ही, मैंने आपको ये बेस्ट 3 प्रीसेट दे दिए हैं, मैंने आपको प्रीसेट बना के दिया, मैंने बताया नहीं आपको कैसे क्या करना है, बस आपको बताया था थोड़ा स्लो फास्ट का एंड बेसिक चीज़ें मैंने आपको थोड़ी बताई थी इस वीडियो में। एंड गाइज, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, मैं वहाँ पे भी रेगुलर पोस्ट डालता रहता हूँ। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप मेरे से वहाँ पे DM पे पूछ सकते हैं, तो मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई दूँ। इंस्टाग्राम एंड प्रीसेट दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगली न्यू मॉन्टाज एंड ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।